भारतीय सैनिक चंदू चौहान को पाकिस्तान ने रिहा कर दिया है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने आज उन्हें भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया। इस रिहाई को लेकर पाकिस्तानी सेना का कहना है कि उसने दोनों देशों के बीच संबंधों की बेहतरी की खातिर यह फैसला लिया है। चंदू के भारत आने के बाद उनकी मेडिकल जाँच भी की गई। आपको बता दें कि भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद चंदू चौहान गलती से पाकिस्तानी सीमा में चले गए थे। वहाँ पर उन्हें बंधक बना लिया गया था। इसके बाद से उन्हें रिहा कराने की कोशिशें की जा रही थी। 23 वर्षीय चंदू बाबूलाल महाराष्ट्र के धुले जिले के वोरबीर गांव के रहने वाले हैं। वह 37वीं राष्ट्रीय राइफल्स के जवान हैं। चंदू की रिहाई को लेकर उनके भाई ने रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे का धन्यवाद किया है। यह आपको बता दें कि चंदू के भाई भी मिलिट्री में हैं। इस बीच पाकिस्तान की ओर से जारी आधिकारिक बयान में आरोप लगाया गया है कि अपने सीनियरों के गलत बर्ताव से नाराज होकर चंदू LOC पार करके चला आया। पाकिस्तान का कहना है कि 29 सितंबर 2016 को चंदू ने जानबूझकर LOC पार किया और खुद को पाकिस्तानी सेना के सामने सरेंडर कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ही चंदू की घर वापसी की कोशिशें की जा रही थी, जिसके बाद आज जाकर चंदू को रिहा कर दिया गया है और उनके परिवार में खुशी का माहौल बना हुआ है। देखते रहिए DB Live।